प्रेमिका की बेवफाई से आहत युवक फांसी पर झूला। मां ने बताया, प्रेमिका की सगाई के बाद से परेशान था बेटा। मां ने प्रेमिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सिटी कोतवाली में दिया आवेदन। शिवपुरी शहर के कमलागंज में बीते दिनों एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। युवक की मौत के बाद अब उसकी मां ने शहर की एक युवती पर बेटे को प्रताड़ित कर उसे जान देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाकर युवती के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर सिटी कोतवाली में आवेदन दिया है। जानकारी के अनुसार अमन नरवरिया उम्र 27 वर्ष निवासी कमलागंज पुल के पास जाटे मोहल्ला छावनी शिवपुरी ने 7 जून को अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। युवक की मौत के बाद अब उसकी मां नारायणी देवी ने बताया कि उसके बेटे का प्रेम प्रसंग काफी समय से विजयपुरम कॉलोनी शिवपुरी की रहने वाली एक युवती से चल रहा था। दोनों साथ में कई जगह घूमने भी गए। युवक के मोबाइल में युवती के साथ फोटो, व्हाट्सएप पर बात करने के मैसेज मौजूद हैं। इसी दौरान अचानक युवती ने अमन नरवरिया को धोखा देकर किसी और से सगाई कर ली। नारायणी देवी ने बताया कि युवती ने सगाई के बाद उसके अमन नरवरिया को मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया। युवती की प्रताड़ना से तंग आकर अमन नरवरिया ने 7 जून को फांसी लगाकर जान दे दी। नारायणी देवी ने सिटी कोतवाली में आवेदन देकर युवती के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायणी देवी। अच्छा, जो भैया जो खत्म हुआ है उसका क्या नाम है? अमन नरवरिया। उम्र कितनी हुई उनकी? 27 साल। और उनके पिता का नाम? उत्तम सिंह मरवनी। अच्छा, कैसे खत्म हुआ बताएं पूरा। उस लड़की ने उसको टेंशन किया आत्महत्या करने के लिए। लड़की का नाम? लड़की का नाम अमरीका जैन। कहाँ रहती है? इधर ही कहीं बाजार में रहती है। अब बताओ मैंने कैसे? उसका घर नहीं देखा जी। क्या बोलेगी लड़की? लड़की बहुत दिन से मेरे लड़के से प्यार करती थी। मेरे लड़का से कहती मैं शादी करूंगी आपसे, और मेरे लड़के को आश्वासन देती रही, उसको पागल बनाती रही। और जब से उसने अपनी सगाई कर ली तो मेरा लड़का पागल हो गया। उससे बात करती तो वो कहती तू मर जा, तू मेरी जिंदगी से चला जा हमेशा हमेशा के लिए, मर जा तू चला जा तू मेरी ज़िंदगी से। उसने ऐसा ही रहता था, तो हमको ऐसा नहीं लगा कि जी ऐसा कर लेगा। हम जैसा सोचते कि वैसे ही रहता होगा जी। अब हमको क्या मालूम कि जी क्या करने वाला है। सुबह उठ के आया नीचे 8:30 बजे, दूध पी के बैठा रहा 10 बजे तक। उसके बाद बस ऊपर मेरे से बोला मैं सोने जा रहा हूँ मम्मी, बस सोने की क्या कर चला गया। उसके बाद देखा 12 बजे, तो आवाज़ लगाई, लड़की को भेजा मैंने, उनकी चाचा को बुला ला बेटा, तो बोला ही नहीं। जब हमने उसको देखा तो हमसे तो गेट ही नहीं खुले, भैया को फ़ोन किया, भैया आया, उसने गेट में तोड़े, तब जाकर देखा तो फांसी पे लटका मेरा लड़का। तो ये कितनी तारीख की घटना है? 7 तारीख। तो इसमें आपने कहीं इसकी शिकायत वगैरह करी? मेरे से ऐसी कोई शिकायत नहीं की, मेरे को अच्छा से बताया उसने कि मम्मी जिस लड़की से मैं बात करता था उस लड़की की सगाई हो गई। तो मैंने उससे बोला बेटा हो गई तो हो जान दे, दोस्त बहुत रहते हैं उनसे बातचीत होती रहती है, मेरे को पता थोड़ी था कि ये आप हत्या कर लेगा उसके। उसने अपनी पूरी मतलब उसके दिल में क्या थी वैसा कुछ नहीं बताया मेरे को उसने, बस इतनी सी बात मेरे से कही। तो मैंने भी उससे कही, मैंने कहा बेटा उसकी हो गई तो जाने दे, मैं भी तेरी शादी कर दूंगी सगाई करके, बस और इतनी सी बात हुई है मेरी उससे लड़के से। तो आपने कहीं कंप्लेंट की थी केस में इस लड़के की? थाने वगैरह में कहीं कंप्लेंट की थी क्या? कभी, अभी हाँ। अभी करे आई। कौन से थाने में? कोतवाली। क्या क्या आश्वासन मिला उधर से? अभी तो मैंने बस वो ले लिया मेरे से जो आवेदन दिया है, वो शान करा ली और आवेदन दिया है। उस लड़की और की सगाई हो गई? और उस लड़की की सगाई हो गई, सगाई हो गई, मेरे बेटे को बताया भी नहीं इसने। सगाई का होने के बाद में इसने बताया जब वो अपने पति से बातचीत कर रही थी और मेरे लड़का को गुमराह करती रही, उसको आश्वासन देती रही कि मैं आपसे शादी करूँगी। मेरे से भी लड़के ने बिल्कुल साफ मना कर दी कुछ दिन पहले कि मम्मी मेरे को कहीं लड़की मत देखो, मैं तो अमेरिका से ही शादी करूँगी। तो मैंने ये कही बेटा तेरी इच्छा है, जहाँ तुझे करना है। तो उसके लिए आत्महत्या के लिए उकसाया लड़की के द्वारा? हाँ, लड़की ने उकसाया उसे, अपनी सम्मत कर लिया ना, जब तक सम्मत नहीं किया ना, सगाई नहीं की, जब
सगाई कर ली तो मेरे बेटे को नहीं बताई इसने, और सगाई होगा ही ना उसके बाद इसने बताया तो मेरा लड़का बिल्कुल एकदम टूट गया उससे। लड़का से पैसे की डिमांड करती थी लड़की? पैसा लेन देन सारा मेरे बेटे के हाथ में रहता था, मेरे को तो कोई पता ही नहीं चलता था। लेती होगी पैसे, जरूर लेती होगी, पैसे भी लेती होगी, क्योंकि मेरा लेन देन सारा उसी के हाथ में रहता था। एडीएम वगैरह सब वही लाता था, जमा करता था, सब वही करता था। क्या करता था ये भैया? भैया तो कुछ नहीं करता था, मेरा पैसा आता था ना, मेरे पेंशन मिलती थी मुझे, तो मैं आप लोग पैसा उसी के हाथ से जमा कराती थी, लेती थी, निकलवाती थी, सारा काम उसी के हाथ से करवाती थी। काय की पेंशन आती है? मेरे पति सर्विस करते थे। अच्छा। और